नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों, हूएवर यू आर, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट सेकंड है। तो जो मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देख के आए, वो मैंने मॉडल्स पे बताया था, वो पहले वो देख के आए और फिर इस वीडियो पर आए। और ऐसी बात नहीं है डायरेक्ट नहीं समझ आ सकते, ये टॉपिक आप यहाँ भी समझ सकते हैं, पहले ये देख लें बाद में वो देख लें, डजंट मैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है एलडीसी और पीओन, ठीक है, उन दोनों में ये कॉमन टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। 9th के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, 11th के स्टूडेंट हो, इवन जैसे कंपटीशन के स्टूडेंट हो, यदि कंपटीशन के स्टूडेंट ये समझते कि हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है, तो वीडियो को यहीं पे आप पॉज करें, इसके आंसर्स राइट डाउन करें और लास्ट में जब मैं इसके आंसर बताऊं आप उससे मैच कर सकते हैं। और आपको कंसेप्ट समझना है तो प्लीज आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये वर्ड जो लिखा हुआ दिख रहा है कि बच्चों के माइंड में यही आ रहा होगा, सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, तो आइए मेरे साथ बढ़ते दोनों साथ साथ। इंपेरेटिव सेंटेंस एक्चुअल में तीन टाइप के होते हैं, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंस एक टाइप होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट जो भी वाक्य होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा टाइप इसका होता है बच्चों डू नॉट, यदि वाक्य डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है वो भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। डू नॉट आता है मना करने के लिए, तो वहां पे एक वर्ड दे देगा आपको नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, मना कर रहा है, तो आप इस वर्ड को लेके कंफ्यूज ना होए बिल्कुल भी, ठीक है। तीसरे टाइप की हम बात करें, तीसरा टाइप होता है प्लीज या काइंडली, किससे स्टार्ट होता है बच्चों प्लीज या काइंडली से। तो कौन से होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, सर अब तो हमें पता पड़ गया, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, जो डू नॉट से स्टार्ट हो, जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो, वही हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। चलिए पहले आपको पता हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद आपकी जो सेकंड प्रोसेस है आपको रूल्स पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है। और दो चीजें काम आएगी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ भी नहीं सीखना आपको, आपको प्रोनाउन चेंज करने आने चाहिए, और प्रोनाउन हम बचपन से पढ़ रहे हैं। देखिए पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, फर्स्ट पर्सन क्या होता है आई और वी। सेकेंड पर्सन होता है यू, सेकेंड पर्सन क्या होता है यू। थर्ड पर्सन सर हमें पता है पहले से ही, अच्छी बात है आपको पता है, तो देखिए ही शी इट दे, नेम जो नाम हो किसी का वो भी थर्ड पर्सन में काउंट होता है। सर ये हमारे किस काम के, ठीक है सर वो जो आपने लिखा आई मी ये माई कहाँ गया सर, तो आप यहाँ पे आइए मेरे साथ नोट देखिए, पजेसिव चेंज नहीं होते हैं। पजेसिव मतलब पजेशन एक वर्ड होता है, मतलब अधिकार, जो अधिकार दिखाते हैं वर्ड्स वो चेंज नहीं होते, ऐसे प्रोनाउन जो अधिकार दिखाते हैं वो चेंज नहीं होते। कौन से सर आई, आई के बाद देखिए क्या आता है माय, तो ये माय सेकंड चेंज नहीं होगा, क्यों नोट लिखा है पजेसिव चेंज नहीं होते, माय का माय आ जाएगा। वी के बाद क्या आता है आवर, ऐसे आप देख लें ही के बाद आता है हिज, ये चेंज नहीं होते। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है एक्टिव से पैसिव में बनाते समय प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, आई का मी में और मी का आई में, बी का अस में और अस दे रखा हो तो वी में, ऐसे यू का यू, सर यू का यू कैसे यू योवर यू सेम रहता है, इसलिए ही का हिम, हिम का ही। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, देखिए ये रूल्स इंपेरेटिव सेंटेंस तो हम पहचान ही गए सर कैसे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होते हैं, जो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला रूल है लेट लगाना है, रूल नंबर टू है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, रूल नंबर थ्री है बी लगाना है, रूल नंबर फोर है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, रूल नंबर फाइव है एडवर्ब या अदर वर्ड जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम स्कूल्स में थे टीचर्स बोलते थे वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऐसे करके, ये लास्ट में अदर वर्ड होता है लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है एडवर्ब क्रिया विशेषण। चलिए आते हैं सेंटेंस में, आपको सब क्लियर हो जाएगा प्लीज बने रहिए। देखिए शट द डोर नाउ, बच्चे कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में सर शट मतलब होता है बंद करना, ठीक है। तो सर ये रूल तो यहां लग रहा है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, आपने बोला था ये कौन सा सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। यस बच्चों आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू आर राइटली सेइंग दैट, ठीक है।
लेट आएगा पहले, सर हमें पता है आपने लिखा हुआ है, अब हमारे समझ में आ गया। ये लेट मैंने यहां पर उतार दिया बच्चों, लेट। सर रूल नंबर टू, ऑब्जेक्ट का क्या करना है, सब्जेक्ट। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बताया था, ऑब्जेक्ट कई बच्चों को पता नहीं पड़ता आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखिए हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, किसके बाद बोलो बच्चों मेरे साथ, वर्ब के बाद। सर ये रही वर्ब, और ये वर्ब के बाद एक वर्ड दे रखा है द डॉल, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये लीजिए ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो क्या आ गया बच्चों, लेट द डोर। ठीक है, हो गया। रूल नंबर थ्री सर, बी लगाना है हमें, ये लीजिए भाई यहां पे लगा दिया बी। रूल नंबर फोर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन हो, कई बच्चे शटेड कर देते हैं, कोई क्या कर देता है बच्चों, ये वर्ड इसीलिए लिखा गया है क्योंकि शर्ट के ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, जिनकी दो फॉर्म सेम होती है, जिनकी तीनों अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे शर्ट ऐसे वो शर्ट पुट कट जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, तो शर्ट का शर्ट ही हो जाएगा। दो हमने चेंज कर दिया इसको थर्ड फॉर्म में, लेकिन ये लग नहीं रहा, लेकिन इसकी फॉर्म सिमिलर होती है। तो लेट द डोर बी शट। सर ये क्या करना है, सो एज इट इज उतार दीजिए नाउ। सर ये कौन सी वाला है, अरे नाउ एडवर्ब होती है भाई, नाउ मतलब अभी, एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें एज इट इज उतार देना है। देखिए एडवर्ब लास्ट में उतारनी है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, शट द डोर नाउ, दरवाजा बंद कर दो अभी। लेट द डोर बी शट, दरवाजा बंद कर दिया जाए, ये पैसिव होता है। चलिए सर सेकंड तो आप बताओ, मत हम ही कर लेंगे। चलिए आइए, क्या करना है, लेट लगाना है। अच्छा ठीक है सर, पहचाना क्या आपने, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इनरीच। सर इनरीच मतलब बताइए आप पहले तो। देखिए इनरीच का मतलब होता है बच्चों समृद्ध बनाना, समृद्ध बनाना, किसी को विकसित करना, किसी को समृद्ध बनाना, किसी को प्रोस्परस करना। ठीक है, तो देखिए इनरीच माय फैमिली विथ योर मनी। सर हमें पता पड़ गया यहाँ पे लेट लगाना है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सर सर रूल नंबर टू हम पता पड़ गया, सब्जेक्ट का क्या करना है, ऑब्जेक्ट का क्या करना है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सर वर्ब के बाद आता है, हमें टेंशन ही नहीं है। सर ये रहा ऑब्जेक्ट, अरे भाई कैसे ऑब्जेक्ट, ये तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ क्या आएगा, कोई नाउन आएगा, तो माय फैमिली पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या उतार दिया यहाँ पर, माय फैमिली। अरे 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 सर रुकिए रुकिए रुकिए, सर आपने माय को तो चेंज ही नहीं किया। अरे हाँ बेटा इसलिए चेंज नहीं किया, पजेसिव चेंज नहीं होते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है माय, और ये चेंज नहीं होगा, इसीलिए मैंने माय का क्या उतार दिया यहाँ पर, माय। और एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, इन पजेसिव के साथ कुछ भी आएगा, योवर इट्स या कुछ भी, इनके साथ हमेशा एक नाउन होगा, और वो पूरा उतारना है आपको, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का क्या बनाओगे आप जब, सब्जेक्ट। तो देखिए माय के साथ एक कुछ वर्ड दे रहे थे, नाउन है फैमिली, तो इसको साथ में उतारेंगे। ठीक है, रूल नंबर थ्री तो सर मैं पता है ये रहा, बी लगाना है हमें। हाँ भाई सही बोल रहे हैं हम। रूल नंबर फोर सर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप बताएंगे। हाँ भाई बता देंगे जरूर, इनरीच, इनरीच्ड, इनरीच्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनरीच्ड। ठीक है, रूल नंबर फोर सर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, एडवर्ब आएगा। सर एडवर्ब तो एक ही वर्ड बचा है, विथ योर मनी, ये लगा दिया मैंने यहाँ पर, विथ योर मनी। ठीक है, तो क्या किया हमने, लेट लगाया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया, बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, एडवर्ब एज इट इज हमने उतार दिया। ठीक है सर, तीसरा तो हम ही करेंगे सर, आप कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है चलिए आइए। हाँ क्या बोला आपने, लेट लगाना है, वेरी गुड, ये लेट लगा दिया, कैसे पता किया आपने। अरे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दे रखी है रुइन, सर हमें तो ये तक पता है, रुइन मतलब क्या होता है, बर्बाद करना या खत्म करना या नष्ट करना, डैमलिश बोल सकते हैं आप, डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं आप। ठीक है, रुइन मतलब, तो लेट आ गया। रूल नंबर टू सर हमें पता है, सर आप ज्यादा ज्ञान मत बांटिए, अब हमें पता लग चुका है, और वेरी वेरी थैंक यू सर। ठीक है, रूल नंबर टू है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। सर वर्ब के बाद ही क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। सर रुकिए सर, ये तो पजेसिव है सर हमें पता है, और आपने ये कहा था पजेसिव के साथ चेंज नहीं करना पहले तो इसको, और एक साथ कुछ आएगा, कुछ क्या, योवर बैड। सर बैड क्या, बैड हैबिट, सर तो पूरा ऑब्जेक्ट है सर। तो हमने यहां पर उतार दिया, लेट योवर बैड हैबिट्स। सर अगला रूल तो हमें पता है सर, ये बी आएगा यहां पर, ले लीजिए बी लगा दिया। सर अब तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म तो आप बताएंगे सर, लीजिए रुइन, रुइंड, रुइंड। तो यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, मैंने रुइन लगा दिया यहाँ पर। ठीक है,
क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है आई थिंक। चलिए ये आई होप ये आप सेंटेंस समझ गए होंगे। सर रुकिए रुकिए सर, ये एडवर्ब कहाँ आ गई? अरे बच्चों कोई बात नहीं, सेंटेंस में एडवर्ब नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, हमें मन से नहीं लगाना है। चलिए फोर्थ में चलते हैं, डू नॉट कास्टिगेट योर नेबर्स। ठीक है, ठीक है सर, ये तो डू नॉट तो यहां पर भी है, ये भी इंपेरेटिव है सर। हाँ बेटा ये इंपेरेटिव है, पर ध्यान ये रखना है ये नेगेटिव सेंटेंस है। सर कैसे है? देखो नॉट लग रहा है यहाँ पर, रूल सेम रहेंगे, हल्का सा माइनर सा चेंज करना है बच्चों। देखो क्या हुआ, लेट का लेट लगा दे यहाँ भी। रूल नंबर टू बच्चों वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। सर वर्ब तो ये कास्टिगेट, सर वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट आता है, सर ये रहा। सर अब आप हमें बेवकूफ मत बनाइए सर, पजेसिव है, ये रहा देखो सेकेंड, और इसके साथ कुछ होगा और वो कुछ क्या है, नेबर्स। मैंने बोला था पजेसिव के साथ नाउन आएगा, ये रहा सर, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट और इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो लेट योर नेबर्स, ठीक है सर। रूल नंबर अगला तो हमें पता है, ये रहा सर, क्या लगा देंगे यहाँ पर, बी। सर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें हम, कास्टिगेट की थर्ड फॉर्म होती है कास्टिगेटेड, क्या होती है कास्टिगेटेड। लेट योर नेबर्स बी कास्टिगेटेड। सर ये नोट तो ये तो सेम है, देखो आपने तो बताया नहीं, ये देखो सेम चढ़ रहा है। हाँ बच्चों इसलिए नहीं बताया, आप देखिए नोट लगाने वो कहाँ लगाना, लेट योर नेबर्स यहाँ लगाना है आपको बी से पहले, क्या लगाना है नोट। दो तरीके समझ लीजिए, नेगेटिव में या तो बी से पहले नोट लगाना है या सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है, और कुछ भी अंतर इसमें नहीं आएगा, बाकी रूल सेम रहने वाले हैं। ठीक है लास्ट हम स्टार्ट करते हैं, देखिए मेंटेन द सीरेनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर तो फर्स्ट हमें मेंटेन हमें पता है बनाए रखना होता है, द सीरेनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर ये क्या वर्ड है, सीरेनिटी का मतलब होता है बच्चों शांति, क्या होता है शांति। तो सर वर्ब के बाद ही तो आता है, क्या आता है बच्चों, सॉरी क्या आता है, ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या कर देंगे बच्चों यहां पर, द सीरेनिटी, ठीक है, क्या कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया, सब्जेक्ट। सर रूल नंबर टू तो हमें तो पता है, ठीक है सॉरी, पहले हम लगाएंगे बच्चों इसमें लेट, और रूल नंबर टू हमारा हो गया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। रूल नंबर थ्री तो हमें पता है सर क्या हो जाएगा, बी। रूल नंबर फोर भी पता है सर, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म होने वाली है, मेंटेन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है बच्चों, मेंटेन्ड, क्या हो जाएगी, मेंटेन्ड। सर अगला तो हमें पता है एडवर्ब एज इट इज, ये एडवर्ब ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये हमने लास्ट में उतार दिया बच्चों, ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए बच्चों मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आप एलडीसी पीओन एसएससी किसी के भी इंपेरेटिव सेंटेंस उठा ले, और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप उसको नहीं कर पाए तो आप यहां पे आना छोड़ दीजिए। ये बेसिक है, इसके बेसिक कंसेप्ट से अगर आपने ये समझ लिए, किसी भी टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंस हो आप फॉल डाउन नहीं करेंगे, विल डेफिनेटली अटेम्प्ट दीज सेंटेंसेस विद टोटल ब्रिलियंसी। थैंक यू वेरी मच।